डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू लेसन 4। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम रिमेनिंग पैसेज ऑफ दिस लेसन। द पैसेज इज फ्लोरेंस वर्ड डॉट 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 क्वालिटी। इस पैसेज में डिफिकल वर्ड्स ये दिए गए हैं, वो नोट करेंगे। देखेंगे फ्लोरेंस वर्ड थ्रू आउट द डे। फ्लोरेंस दिन भर काम करती थी, इवन एट नाइट, यहाँ तक कि रात में भी। सी यूज टू मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर, होल्डिंग अ लैंप इन हर हैंड टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी सोल्जर। और रात्रि के समय वो अपने हाथ में एक लैंप लेकर के और प्रत्येक घायल सैनिक या जो बीमार सैनिक था उसके पास जाकर के उसकी सेवा करती थी। हर काइंडनेस केयर, हर काइंडनेस केयर एंड हर अफेक्शनेट स्माइल, उनकी उदारतापूर्ण देखभाल और अफेक्शनेट स्माइल माने बड़ा स्नेहपूर्ण हंसी, गेव द सोल्जर्स न्यू होप एंड कंफर्ट। सैनिकों को एक नई उम्मीद और राहत प्रदान करती थी। मतलब जो स्नेहपूर्ण व्यवहार उनका रहता था और बड़ा ही हंस कर के मिलती थी जो सैनिकों से, उससे सैनिकों को काफ़ी राहत मिलती। द लेडी विद द लैंप नॉट ओनली मेडिसिन बट आल्सो फ्लोरेंस अनसीजिंग केयर, दे नेम्ड हर द लेडी विद द लैंप। और उन सैनिकों ने उनका नाम मसाल वाली महिला, लेडी विद द लैंप माने मसाल वाली महिला के नाम से उनको संबोधित किया। नॉट ओनली मेडिसिन, न केवल औषधि, बट आल्सो फ्लोरेंस अनसीजिंग केयर, बल्कि फ्लोरेंस के द्वारा सतत देखभाल, हेल्प टू हील देयर इलनेस, उनकी बीमारी को ठीक करने में मदद करती थी। द न्यूज़ ऑफ फ्लोरेंस सर्विस टू द सोल्जर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और फ्लोरेंस की सैनिकों के प्रति की गई सेवा का समाचार जंगल की आग की तरह फैला। इन 1856 द क्रीमियन वॉर एंडेड, 1856 में क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया। क्वीन विक्टोरिया, नेक्स्ट पर्सन है क्वीन विक्टोरिया। तो रानी विक्टोरिया ने रोट अ लेटर ऑफ थैंक्स, धन्यवाद देने के लिए फ्लोरेंस को एक पत्र लिखा, फॉर अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनके महान योगदान के लिए। बट फ्लोरेंस वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर पर्सनल सक्सेस अलोन, लेकिन फ्लोरेंस अपनी व्यक्तिगत सफलता से संतुष्ट नहीं थी। सी न्यू सी हैड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू टू सर्व गॉड, वो जानती थी कि ईश्वर की सेवा करने के लिए अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। सी वॉन्टेड टू चेंज द इनसेनिटरी कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के अस्पतालों की स्वच्छता की स्थिति को सुधारना चाहती थी। एंड रेड हर डिमांड पब्लिकली, और उन्होंने अपनी इस मांग को बहुत सार्वजनिक रूप से रखा। सी वर्क एज मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कमेटी टू रियलाइज हर आइडिया, उन्होंने सरकार की यह समिति में भी एक मेंबर की हैसियत से काम किया, ये अपने विचारों को महसूस करने के लिए। नॉट ओनली दैट, न केवल इतना ही, सी रॉट बुक्स एंड सेंट लेटर्स टू एमिनेंट पर्सनालिटीज, उन्होंने किताबें भी लिखीं और कुछ जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लोग थे उनको पत्र भी लिखे रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पतालों की स्थिति के बारे में। द पीपल ऑफ इंग्लैंड आल्सो रिस्पॉन्डेड टू हर कॉल, इंग्लैंड के लोगों ने उनकी पुकार को सही रिस्पॉन्स किया। एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, एक सम्मान के प्रतीक के रूप में, टूवर्ड्स फ्लोरेंस कंट्रीब्यूशन, फ्लोरेंस के योगदान के लिए। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर, जो क्रीमिया के युद्ध के समय उन्होंने योगदान किया, दे कलेक्टेड 45,000 डॉलर्स उन्होंने कलेक्ट किए एंड गेव इट टू हर, और उनको दिए। विद द मनी सी फाउंडेड अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस, और इस धन से उन्होंने एक प्रशिक्षण जो नर्सेस के लिए प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की, जिसे कि नाम दिया गया नाइटिंगल स्कूल फॉर नर्सेस, नर्सेस के लिए नाइटिंगल का स्कूल। इन 1901 सी लॉस्ट हर विजन, 1901 में उनकी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई। इन 1907 1907 में किंग एडवर्ड 7 गेव हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंग्लैंड के राजा एडवर्ड 7 ने उनको ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि प्रदान की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमेन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रथम महिला थी एवर टू रिसीव द ग्रेट ऑनर, इस सम्मान को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। इन 1910 दिस नोबल लेडी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 1910 में 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उन्हें उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये लेसन कंप्लीट हुआ। यू हैव टू लर्न दिस लेसन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आल्सो रिवाइज विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वीडियोज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।